मैंने आलय आलम का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, छोड़ दिया उन्होंने डॉक्टर की चिकित्सा इलाज चल रहा है और स्वस्थ है और जितना भी ऐसा इलाज हो सकता है वो यहाँ और हम सब चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों। और वहीं हमें ये भी भरोसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी परेशानी आ सकती है परेशानी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमें पूरा भरोसा न्यायालय पर है कि न्यायालय न्याय करेगा और बहुत जल्दी अगले आदेश का काम हमारे बीच के जरिए 300 लोगों की फोन करने का मामला सामने आ रहा है और विपक्ष के कई नेता हैं जिनके फोन चेक करने के लिए सुनने की बात सामने आ रही है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि ये बदनाम करने का प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए। जब जनता ने उनका भरोसा किया, दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर मुझे आप चाहिए, चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, पत्रकार हों, उनके रिकॉर्डिंग करते थोड़ा दूर लगेगा, चढ़ ही तो जा रहा है, आराम से बनाइए फोन रिकॉर्ड करके आखिरकार सरकार पीछे रहो इसका जवाब तो नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या होगा कि कोई इतनी बड़े पैमाने पर काम हो रहा हो और भारत सरकार को ये न जानकारी है। सर जिस तरह से आजम खान को टिकट नहीं मिली थी उससे पहले ही उन्हें शिफ्ट कर दिया गया जेल, तो लगता है कि जल्दबाजी की गई थी उनको शिफ्ट करने में। सर ये मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अच्छा इलाज करेंगे और तब तक इलाज होना चाहिए जब तक वो स्वस्थ न हो। ये समय इस समय वो समय इस बात का नहीं है कि किसको जोड़ना है।